नमस्कार सर, डेली न्यूज के नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लेटेस्ट न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड नंबर कहीं देते हैं तो आपको आधार कार्ड नंबर वैलिड नहीं बताने वाला। अगर दोस्तों आपको ये पता ही होगा, जैसे कि सरकार ने नियम बना दिया है 16 अंकों का वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए, तो दोस्तों आपको ये नहीं पता कैसे जनरेट की जाती है वर्चुअल आईडी, इसके क्या क्या है प्रोसेस। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आपका कीमती वक्त जाया करके। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर में आ गए, सबसे पहले आपको वहाँ UIDAI की वेबसाइट पर जाना है। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे आप वेबसाइट पर पहुंच सके। तो दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वर्चुअल आईडी जनरेट, वहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ उस पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पर नंबर डल रहा है। फिर आपको वहाँ कैप्चर डाल देना होगा जो आपके साइड में दिख रहा है। कैप्चर डालने के बाद आपको जो आपके आधार कार्ड पर नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP पहुंचेगा, OTP वहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप OTP सबमिट करते हैं तो आपके 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाएगा। वर्चुअल आईडी यानी कि 16 अंकों का आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप किसी को देते हैं वो आपको आधार कार्ड नंबर नहीं देना, वो 16 अंकों को जो आपने आधार कार्ड नंबर संख्या जनरेट की है उसे ही आपको देना है, जिसे वर्चुअल आईडी बोला जाता है। दोस्तों अगर आपको ये तो दोस्तों जैसे कि सरकार ने ये नियम बना दिया है, अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देना होगा और आपको ये वर्चुअल आईडी जो आपने 16 अंकों की जनरेट की है इसे ही वर्चुअल आईडी बोला जाता है। अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर देते हैं जो 12 अंकों का होता है तो दोस्तों आपको वो इनवैलिड बता देगा। यदि आप पेटीएम में उस नंबर को देते हैं तो आपका भी वो इनवैलिड बता देगा। यदि आप ये 16 अंक नंबर का जो आपने आधार कार्ड